अर्णव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्णव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रंजीत सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रंजीत सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंजीत सिंह डागर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंजीत सिंह डागर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो धरना प्रदर्शन आपने किया और ये अर्णव गोस्वामी के सपोर्ट में किया है, तो जितने भी तमाम जो एक्टर हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, वो जो कल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, क्या कहना चाहोगे सारी चीजों पे? ऐसा इनको कानून की तो नॉलेज है नहीं, इन्हें कानून की समझ होती तो FIR कुछ कह रही है, बिल किसी नाम से फट रहा है। ये सारे जो प्रोडक्शन हाउस हैं, जितने बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, ये अगर किसी को काम करना तो इनके थ्रू ही काम करना पड़ेगा। तो कोई भी कलाकार इन पे डिपेंडेंट रहे, ऐसा माहौल बना दिया इन्होंने। जैसे धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर का है, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट शाहरुख खान का है, जो पहले ड्रीम्स अनलिमिटेड के नाम से चलता था। इसके अलावा सलमान खान फिल्म्स, अरबाज खान फिल्म्स, सोहेल खान फिल्म्स, मोशन पिक्चर्स रेड, और इसके अलावा साजिद नाडियाडवाला का नाडियाडवाला प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स, ये सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, जिसके अंदर रोहित शेट्टी का प्रोडक्शन हाउस भी है, इसमें विशाल भारद्वाज का प्रोडक्शन हाउस भी है। इनका मतलब ये है कि इनके अपने बैट गेंद है, जैसे बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, जिसके अपने बैट गेंद हैं वो ही ओपनर होता था और वो आउट भी नहीं मानता था। तो इनके अपने बैट गेंद हैं, किसी को खेलना है ना तो इनका क्या है, ओपनर यही रहेंगे, चाहे 55 साल के हो जाएं, यही लीड हीरो रहेंगे, बाकी को देते हैं साइड हीरो का काम। जैसे उदाहरण ले लीजिए आप मेरे से, कबीर सिंह फिल्म, लीड हीरो कौन? शाहिद कपूर। और उसमें जो अर्जुन बाजवा है, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, उससे ज़्यादा हाइट शाहिद कपूर से, उससे ज़्यादा फिजिक उसकी, और इतना अच्छा उसका डिसेंट लुक, सब कुछ उसकी एक्टिंग उससे बेहतरीन, उसके बावजूद वो क्या था उसमें? साइड हीरो कबीर सिंह के अंदर। लीड हीरो कौन था? शाहिद कपूर। तो ये गेम है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गेम हैं, मैं बता देता हूँ आपको इनका क्या है। ये बॉलीवुड वाले जो है अर्णव के पीछे पड़े हुए हैं। सबसे पहले अर्णव के पीछे क्यों पड़े हुए हैं उसका मैं बता देता हूँ कारण। अर्णव गोस्वामी ने अपनी डिबेट में शाहरुख खान ने जो मजाक उड़ाया था ना अवार्ड फंक्शन में, किसका? नील नितिन मुकेश का। उस पर सवाल उठाया कि भाई नील नितिन मुकेश का क्यों मजाक उड़ा रहे हो, इसके बाप के बारे में कह रहे थे शाहरुख खान अवार्ड फंक्शन के अंदर, भाई ए जो तुम्हारा जो ये सरनेम किधर है इसके अंदर, ऐसी बात शाहरुख खान ने कही, इस पर सवाल उठाया। इसके अलावा उसने सलमान खान पर भी सवाल उठाया। अर्णव गोस्वामी, सवाल उठाना पत्रकार का काम हुआ करता है, पत्रकार सवाल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और मैंने तो टैगलाइन बनाई है शेरिन जी, जो सब जगह जिसको भी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, एक टैगलाइन है, सारा जमाना अर्णव का दीवाना। और जमाना कहे फिर क्यों अर्णव के खिलाफ कैंपेन चलाना, और मैं इसी को ट्रेंड चला रहा हूँ। व्यूवर्स आप भी ट्विटर पर ट्रेंड कराओ, सारा जमाना अर्णव का दीवाना। और आपको बता दूँ मैं, इसके अलावा देखिए, कहते हैं जहाँ तेरी ये नज़र है जाने जा मुझे खबर है। अब इस खेल को समझने की कोशिश कीजिए आप, ये क्या गेम चल रहा है कि जो सारे चैनल्स भी उसका सपोर्ट नहीं कर रहे, ये क्या है? एहसान फरामोशी है। अर्णव गोस्वामी तो वो व्यक्ति हैं, जब भी कोई दिक्कत में होता है सबसे पहले अर्णव गोस्वामी आता है। आर्मी वाले कहीं दिक्कत होती है अर्णव गोस्वामी, क्योंकि वो आर्मी के कर्नल के बेटे हैं। कहीं पे दिक्कत आई, किसी कॉमेडियन को पुलिस अरेस्ट करके ले गई क्योंकि शारदा अर्णव गोस्वामी सामने आए। कहीं पे कोई किसी को परेशानी आई, पालघर में साधुओं की लिंचिंग हुई, सबसे पहले कौन आए? अर्णव गोस्वामी। हालांकि वो साधु जो गोस्वामी समाज के थे भी। इसके अलावा हाथरस का मामला आया, सबसे आगे निकल के कौन आए? अर्णव गोस्वामी आए कि इसकी सच्चाई उजागर करनी चाहिए, सच्चाई दिखानी चाहिए, क्योंकि सच्चाई को दबाया जा रहा है। लेकिन आज मैं बता दूं, अर्णव गोस्वामी पे संकट आया है तो इस देश की जनता, हम यहाँ मैदान में खड़े हुए हैं, मैंने ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पे लॉन्च किया है, ये परमिशन मैंने लिया है, जंतर मंतर पे धरना अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल के समर्थन में दे रहा हूँ। और व्यूवर्स, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हम सड़क पे आके लड़ेंगे, किया था ना शेरन जी वादा, मैं सड़क पे हूँ आज और जंतर मंतर पे मैं लड़ रहा हूँ। हमने आपसे ये भी वादा किया था चाहे हमें कहीं पर जा करके लिखित में कार्रवाई करनी पड़े, मैंने सुधीर खुब्दा के खिलाफ कंप्लेंट की, पिछले इंटरव्यू में दिखाया, लिखित में भी कंप्लेंट की। हमने आपसे ये भी वादा किया था कि हम आपकी आवाज़ को ना रुकने देंगे ना झुकने देंगे, और जो भी आपकी आवाज़ को दबाएगा हम उसकी आवाज़ को दबाएंगे। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, देखिए शेरन जी क्या है ना, आर्टिकल 19A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट वी हैव अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच सेज दैट वी कैन से एनीथिंग इन दिस कंट्री एंड नोबडी कैन स्टॉप अस, बिकॉज ये आर्टिकल कहता है कि इसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी इस देश के अंदर कह सकते हैं। इसी के अंदर मीडिया की फ्रीडम भी आती है, और मैं कहता हूँ फ्री मीडिया फ्री स्पीच की बात चलती है, अब ये सारे लिबरल्स जो हैं कहाँ पे हैं भाई फ्री स्पीच? मैं आपको बता दूँ एक बात और, आप मुझे बताइए कि जो कोई भी मामला होता है जो मीडिया संबंधित है, वो ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है ना मीडिया की, उनके उसमें ही सॉल्व होता है, ये पहली बार पुलिस कैसे बीच में आ गई इसमें? अगर कोई मामला बनता है तो उसके अंडर होता है, क्योंकि बार्क उसमें क्या करता है, जुर्माना ठोक देता है। एक बार टाइम्स नाउ पे 100 करोड़ का जुर्माना हुआ था, एक बार जो है मानहानि का केस जी न्यूज़ पे धोनी ने किया था 100 करोड़ की मानहानि का,
इसके अलावा सुधीर चौधरी जी भी अकेले पड़ गए थे एक बार, तो मैं आपको बता दूं, लेकिन उसमें हम ना जा करके, क्योंकि मामला आज अर्नब पे पड़ा हुआ है, तब भी जो है ऐसे सारा गेम चल रहा था। हर लाइन का आदमी, किसी भी लाइन को आप ले लीजिए, उस लाइन का आदमी, चाहे वो बैंक का है, डॉक्टर है, वो अपनी लाइन के आदमी के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा, मीडिया वाले मीडिया वालों से कुत्तों की तरह झगड़ रहे हैं। जैसे वो कैरी मिनाटी दिखाता था ना अपने यूट्यूब में, कि भाई जो टिकटॉक वाले तो झगड़ते हैं और यूट्यूब वाले जो है वो एकजुट रहते हैं, उसका उन्होंने दिखाया था कि भाई ये कैरी मिनाटी का कहना था कि नहीं कहना था। तो कुछ ऐसे ऐसे पत्रकार है जो मैं कहना नहीं चाहता, ये शब्द थोड़े गलत हो जाएंगे, क्योंकि डेरोगेटरी लैंग्वेज मैंने अपने जीवन में कभी यूज़ नहीं की। मेरा कोशिश है कि मैं फैक्ट्स और सच्चाई से अवगत कराऊं। और मैं आपको बता दूं शेरिन जी, इसके अलावा देखिए क्या गेम है सारा का सारा। सुशांत की लड़ाई अर्नब गोस्वामी ने लड़ी और उसमें हम सब लोग भी उसमें लड़ रहे थे। कुछ चैनल तो ऐसे हैं, मैंने आपको 24 जुलाई को अपने इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती की कंपनियों की डिटेल विद डॉक्यूमेंट दिखाई थी, आप गवाह हैं उसकी, और वो सेम कॉपी मार करके मेरी अपने चैनल पे चला के कहते हैं भैया ये एक्सक्लूसिव है। अरे तुमसे 6 दिन पहले दिखाई, 29 जुलाई को एक चैनल ने दिखाई थी, नाम नहीं ले रहा मैं उसका, मैं चाहूँ तो कोर्ट में घसीट दूँ, तो लेने के देने पड़ जाएंगे उस चैनल को, पहले मैंने दिखाई है। और चोरी करके चीज़ें चलाते हैं। अर्नब गोस्वामी ओरिजिनल कंटेंट लाते हैं। अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर ला करके संदीप सिंह से इंटरोगेशन की, अपने चैनल पर ला करके उन्होंने जो है सिद्धार्थ पिठानी से इंटरोगेशन की। सिद्धार्थ पिठानी तो आईटी प्रोफेशनल है, आईपी एड्रेस भी चेंज हुए थे रिया चक्रवर्ती कंपनियों को, मैं खुद आईटी लाइन से हूँ, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आईपी एड्रेस की डिटेल दे चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स दिखा चुका हूँ आपको आईपी एड्रेस के, वो टाइम्स नाउ ने भी दिखाए थे। मैंने आपको कितनी बार बोला था टाइम्स नाउ रिपब्लिक सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, बोला था ना आने को बार आपसे, ये भी मेरी चर्चा हुई थी कि अर्नब गोस्वामी पे केस करने की कोशिश की जा रही है। अर्नब गोस्वामी को लेकर ही हम अगर क्वेश्चन करें तो आप यहाँ पे भी धरना प्रदर्शन कर रहे हो, लाखों करोड़ों लोग हैं जो अर्नब गोस्वामी उनका सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं। सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब से उन्होंने बॉलीवुड की जो भी पोल खोलना शुरू कर दी, उसके बाद एक के बाद एक कलाकार आके सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि हमारा हमको बदनाम किया जा रहा है, कभी कोई कहता है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यहाँ पर एक और ये भी है कि जितने भी लोग ये अर्नब रिपब्लिक की बात हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाने की बात हो, क्या इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबा पाएंगे या फिर जो गुनहगार हैं उनको बचा पाएंगे? देखिए मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारी सोच तो ये है, अर्नब के समर्थन में हम इसलिए हैं जो आप बात कर रही हैं, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत, और जो भी अच्छा करेगा ना अर्नब जैसा स्वैग से करेंगे उसका स्वागत, तो हम उसका स्वैग से स्वागत करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपको एक और मैं बता दूं, एक चलता था मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, हम कहते हैं वो नहीं चलेगा, अब चलेगा मैं तो सुपरमैन अर्नब का फैन, क्योंकि अब क्या है ना बॉलीवुड स्टार जो है उन्होंने अपना दिखा दिया है, वो क्या क्या है क्या नहीं है मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, देखिए क्या क्या गेम है सारे के सारे, राजनीति इन्वॉल्व हुई, महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस क्या है अर्नब गोस्वामी को लगातार टारगेट करते आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आज बता दूँ आपको, ये पता कि ये लोग यहाँ पे आए हैं मेरे समर्थन में, परमवीर सिंह का गाँव पड़ता बल्लभगढ़ से आगे, ये वहाँ से भी आए हैं लोग यहाँ पे, उस जगह से भी आए हैं। और मैं बता दूं वहीं फरीदाबाद के अंदर ही सुशांत के जीजा जो है पुलिस कमिश्नर भी हैं, और ये फरीदाबाद में यहाँ ये इनकी जो वाइफ थी, इसके कई कंपनियों में डायरेक्टर है, परमवीर सिंह भड़ाना की वाइफ, पूरा नाम बता देता हूँ, परमवीर सिंह भड़ाना, अभी पता नहीं होगा बहुतों को, ठीक है। लेकिन अब मैं आगे की बात बताता हूँ, इसमें देखिए क्या गेम है कि इतना बड़ा आंदोलन उसको दबाने का प्रयास चला, कितना बड़ा आंदोलन, श्वेता सिंह कीर्ति कहाँ रहती है, कैलिफोर्निया में रहती है यूएस के अंदर, वहाँ से लेकर के बिहार में शेखर सुमन है ना, और जो है यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कितनी लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं, स्वामी तो फाइटर है ना, खुलकर के समर्थन में खड़े होते हैं, स्वामी के कुछ देख लीजिए मतभेद भी थे अर्नब गोस्वामी थे, इसके बावजूद वो उसके समर्थन में खड़े, इसे कहते हैं ईमानदारी, इसे कहते हैं ईमानदारी। हमारे देखो खूब मतभेद है सलमान खान से, लेकिन हमने बताया था कि सलमान ने ISI का एजेंट का कॉन्सर्ट रद्द कर दिया, तो पिछले इंटरव्यू में मैंने उसकी इस काम के लिए अप्रिशिएट किया था, बताइए हम कहाँ पे है, जबरदस्ती का थोड़ी हम किसी आरोप ठोक रहे हैं। अब आगे आ जाइए, इन बॉलीवुड वालों ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये परवीन बॉबी मरी कैसे, ये कैसे डिप्रेशन में गई, क्या दिक्कत हुई बताना चाहिए। चेतन भगत ने 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा है, और आर्टिकल लिख करके उसमें मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है, इंडियंस की है मेंटल हेल्थ, मतलब पूरे भारत को ही मेंटल हेल्थ का रोगी बता रहा है, और सुशांत की है मेंटल हेल्थ। तो भैया बात ऐसे है, फिर भी तुमको चाहूँगा, ये हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का जो उस पर बनी थी इस चेतन भगत के नॉवेल के ऊपर, तो ये चेतन भगत अब सो करके जाग रहे हैं, इसको अब आवाज़ आइए। देखो एक कहावत है कि आप सोते हुए आदमी को जगा सकते हैं, लेकिन आप उस आदमी को नहीं जगा सकते जो सोने की एक्टिंग कर रहा है, तो ये कुछ लोग सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं बात चक्कर क्या है, सोने से मुझे याद आया,
देखो क्या कहते हैं, बैंक के बाहर लिखा रहता है कि यहाँ सोने पर लोन मिलता है, सोना जमा कराइए लोन मिलता है। तो जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है ना, उनकी लोगों की बातों का यकीन कर लेते हैं। अर्णब गोस्वामी का यकीन कर रहे हैं। और व्यूवर्स, आप सबका हम इतने धन्यवादी हैं, आप हमें लगातार प्यार दे रहे हैं, हम सब लोगों का आप इतना यकीन करते हैं। लेकिन कुछ लोग पता है कैसे, बॉलीवुड वाले ऐसे हैं कि एक आदमी ने एडवर्टाइजमेंट पढ़ ली कि सोने पर लोन मिलता, तो वहीं सो गया। उसे लगता है कि यहाँ सो जाऊँ मैं अगर, तो यहाँ पर लोन मिल जाएगा। तो ये बॉलीवुड वाले ऐसे हैं, वहीं सो जाते हैं। इनको लगता है कि इसी से तुम्हारी क्रेडिबिलिटी हो जाएगी। एक वीडियो जारी कर रहे हैं कि भाई मेरी फिल्में बायकॉट मत करो आप, और मैं भी जो खिलाफ़ हूँ ड्रग्स के, ये सब चीज़ ये कभी याद आती है, जैसी फिल्म नज़दीक आती है तुरंत सबको याद आ जाता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उसको ये बायकॉट करते हैं जो भी आदमी इनका जो ईमानदारी के पक्ष में खड़ा हो जाता है, सुशांत के जस्टिस की मांग करता है। अब देखिए, सुशांत के साथ में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है ना, अर्णब के साथ इतने लोग खड़े हुए, लेकिन ये उल्टी धारा में बह रहे हैं सारे के सारे। अब मैं आपको इसमें चक्कर क्या बैठा हुआ है कि देखो, इन्होंने जहाँ तो इस बात पर सवाल उठाया कि सुशांत सिंह राजपूत को इतनी फिल्मों से क्यों निकाला। उसने तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था सुशांत सिंह राजपूत का, किसके साथ में था कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है आदित्य चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस था, उसने दूसरों के साथ काम नहीं करने दिया। शुद्ध देसी रोमांस थी, पानी थी, और उसके अंदर जो ब्योमकेश बख्शी थी। उससे आगे निकलते हैं, संजय लीला भंसाली को काम नहीं करने की फिल्मों में काम नहीं करने दिया, तब इन्होंने कोई सवाल खड़े नहीं किए। लेकिन पता चक्कर क्या है, एक कहावत है कि भाई डोंट शूट द मैसेंजर, आप मैसेंजर को शूट मत कीजिए। और मैं आपको बताऊं सेरेन जी, चक्कर क्या हो रहा है सारा का सारा, इन लोगों के ड्रग्स की जांच हो रही है, और ड्रग्स की जांच हो रही है तो इनको इतना सारा तकलीफ हो रही है। तो सेरेन जी, मैं आज अधिक लंबा ना कहता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं आंदोलन में बैठा हुआ हूँ, मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। मुख्य विषय सिर्फ इतना ही है, छोटी सी एक कंक्लूड कर देता हूँ कि जो मुख्य विषय ये है, आज हम अर्णब के समर्थन में खड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार जो है इस पर लगाएं, तो हम इसके समर्थन में इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि ये भारत की जनता की आवाज़ है, पूरे भारत की जनता की आवाज़ है। ये पूरे NCR के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, पूरे भारत की जनता की आवाज़ है। अर्णब को बिल्कुल भी ना झुकने देंगे ना दबने देंगे। और जो सोच रहे हैं ना बॉलीवुड वाले, ये देख लें यहाँ पे दिल्ली के अंदर क्या हाल है, दिल्ली की गली गली में, मोहल्ले में, जहाँ से निकल जाइए वहीं अर्णब के समर्थन में आवाज़ उठ रही है। मुंबई पुलिस हाथ डालने से पहले 100 बार सोच ले, 100 बार सोच ले हाथ डालने से पहले। अगर अर्णब जेल गए तो इन हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की गिरफ्तारी होंगी इस देश के अंदर, ये समझ लेना आप। यहाँ चुप नहीं बैठेंगे हम किसी भी हालत में, जंतर मंतर आज किया फिर जंतर मंतर करेंगे, और उनको हाथ भी लगाया तो।